आप लोगों ने नॉर्मली टोमेटो, कैरेट या फिर पम्पकिन सूप पिया होगा। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ डिफरेंट, यानी पीस एंड कॉर्न्स का सूप, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और आपके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए काफ़ी अच्छा है। कॉर्न्स एंड पीस सूप बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम पीस, उसको पैन में डालेंगे। 1 कप कॉर्न्स, और पीस काफी ज्यादा हाई इन एंटीऑक्सीडेंट है। इनके अंदर विटामिन के, सी एंड ए प्रेजेंट है। अब इसमें हम डालेंगे जिंजर। जिंजर आपको डाइजेशन में काफी हेल्प करता है। इसमें हम डालेंगे गार्लिक, अनियन, एंड सॉल्ट। अब इसमें हम ऐड करेंगे वाटर। हम इसमें इतना वाटर ऐड करेंगे कि सारी वेजिटेबल्स इस पानी में अच्छे से सोक हो जाए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल करने रख देंगे। हमारे वेजिटेबल्स अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम सारे वेजिटेबल्स को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रखेंगे, फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। हमारी वेजिटेबल्स ठंडी हो गई हैं, अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और जो वेजिटेबल्स का पानी था उसको हम यूज़ करेंगे सूप को कुक करते टाइम। हमारे वेजिटेबल्स अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं, अब हम इसे कुक कर लेंगे। सूप को कुक करने के लिए सबसे पहले इसमें हम डालेंगे बटर। यहाँ हम लो फैट बटर यूज़ कर रहे हैं। ये सूप कैलोरी में काफ़ी कम है और ये आपका डायबिटीज़ कंट्रोल करने में और आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अब इसमें हम डालेंगे हमारे ग्राइंड किए हुए वेजिटेबल्स। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने वेजिटेबल्स को ऑलरेडी बॉईल कर लिया था। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। हम इसमें वही पानी ऐड कर रहे हैं जिसमें हमने वेजिटेबल्स को बॉईल किया था। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा ब्लैक पेपर। अगर आप सूप को गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो पानी कम रखें। अगर आप इसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में चाहते हैं तो आप जितना चाहें उतना पानी ऐड कर सकते हैं। बट याद रखें कि जब भी आप इसमें पानी ऐड करें तो पानी को पहले थोड़ा गर्म कर लें। हमारा सूप रेडी हो चुका है, अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। ये सूप हाई इन प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये आपको वेट लूज करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। आप इसको कभी भी बना सकते हैं, चाहे वो लंच हो या फिर डिनर। अब इसको हम गार्निश करेंगे थोड़ी सी क्रीम के साथ। हमारा हेल्दी एंड टेस्टी पीस एंड कॉर्न सूप रेडी है। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपका शुगर लेवल कंट्रोल करने में। ऐसी और इंटरेस्टिंग और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए लॉग ऑन टू fit tak.in, सब्सक्राइब टू fit tak on YouTube and also follow us on Facebook and Instagram.